हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आज हम लोटस हर्बल्स का एक प्रोडक्ट लेके आए हैं दिस इज़ अ फेस वॉश और आज हम इसका रिव्यू करने जा रहे हैं वीडियो स्टार्ट होने से पहले आपको बोलना चाहेंगे प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है तो एंड तक ज़रूर देखिएगा चलिए वीडियो करते तो स्टार्ट करते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम बता दें आपको ये थ्री इन वन डीप क्लिनजिंग फेस वॉश है ये स्किन में वाइटनिंग ब्राइटनिंग लाइटनिंग एंड ग्लो लाने का वर्क करता है और ऑल स्किन टाइप के लिए सुटेबल है इसको कोई भी स्किन टाइप का पर्सन लगा सकता है चाहे उसकी स्किन ड्राई हो या ऑयली हो या फिर उसकी स्किन नॉर्मल हो मतलब दोनों मतलब जिसकी स्किन कॉम्बिनेशन हो वो भी इसको यूज़ कर सकता है इट इज़ सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप पीपल अब हम इसकी कॉस्ट की बात करेंगे तो इसकी कॉस्ट है रुपीज़ टू सिक्सटी ये आपको किसी भी कॉस्मेटिक uh, स्टोर से मिल जाएगा या आप इसको अगर डिस्काउंट के साथ लेना चाहते हैं तो आप इसको नायका या एनी अदर वेबसाइट से भी ले सकते हैं उस पर आपको ये बहुत ही डिस्काउंट्स में मिल सकता है अच्छे डिस्काउंट्स के साथ और पैकेजिंग की बात करें तो पैकेजिंग आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी है और अब हम बात करते हैं ये डीप क्लिन करता है वाइटेंस लाता है और मेलानिन प्रोडक्शन को ब्लॉक भी करता है और इसके यूजेस के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले आपको ये लेना है और सबसे पहले आपको अपना चेहरा वाटर से वॉश करना है फिर इसको लेना है और दो से तीन मिनट के लिए सर्कुलर मोशन में आपको अपने चेहरे पर रब करना है उसके बाद पानी से वॉश कर लीजिए फिर आप अपने चेहरे को साफ कर लीजिए किसी भी टिश्यू से और उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए बेस्ट रहेगा आप अगर आप इसका ही मॉइस्चराइज़र लगाएँ तो और ये आपको दिन में दो बार यूज़ करना है सुबह मॉर्निंग में और इवनिंग में आप इसको यूज़ कर सकते हैं इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इंग्रेडिएंट्स भी इसमें बहुत सारे हैं जो कि लिखा हुआ है तो वो आप इसमें देख लीजिएगा अब हम बात करते हैं इससे स्किन जैसे ब्राइट होती है वाइट होती है ये तो मैंने आपको बता ही दिया और उसी के साथ साथ इसमें मिनरल्स हैं मिल्क एंजाइम है एलोवेरा जेल है जो कि स्किन को एलिमिनेट करने का वर्क करता है और इल्यूमिनेट के साथ साथ जो स्किन में डर्ट होती है उसको भी रिमूव करता है और मैं आपको बता दूँ तो जिन लोगों को हाइपर पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है या ऑयल कंट्रोल की प्रॉब्लम होती है तो वो इसको यूज़ कर सकते हैं और ये बेस्ट रहेगा अगर आप इसको समर्स में यूज़ करें तो बेसिकली ये समर का प्रोडक्ट है तो आप इसको समर्स में गर्मियों के मौसम में आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट रहेगा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए तो ये तो हमने बात कर दी और ये एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है ये सच में बहुत ही अच्छा वर्क करता है तो और यूजेस आपको मतलब बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा ये जब आप इसको कम से कम दो महीने तक यूज़ करेंगे तो और ये आपकी स्किन को डल नहीं होने देता और जिसकी भी ड्राई स्किन होती है वो इसको यूज़ करें वो तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है और ये मेड विद नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स नहीं हैं पैरावीन फ्री है सल्फ़ेट फ्री है और इस तरह का ये पैकेजिंग तो मैंने आपको बताई दी बहुत ही अच्छी है और जो भी आपके चेहरे पर इम्प्योरिटीज़ होती हैं मेकअप रेसेट्स वगैरह उसको भी ये हटाने का वर्क करता है और अगर आप किसी पार्टी में जा रहे हों तो इसको यूज़ कीजिए या अगर आपने मेकअप कर रखा हो तो उसको भी ये हटाने का वर्क करता है और स्किन पर इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट नहीं है ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हैं तो और अंदर से इसके टेक्सचर के बारे में हम बात करें तो टेक्सचर इसका बहुत ही स्मूथ है और बहुत ही वॉटरी है लिक्विडी है बहुत ही अच्छा है इस फ्रेगरेंस की बात करें तो फ्रेगरेंस इसकी बहुत ही अच्छी है बहुत ही मिस्ट है और ये आप इसको अगर लगाते भी हैं यूज़ करते हैं समर्स के दिनों में ज़्यादातर देखा जाता है तो लोगों के चेहरे पर अ, मतलब कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो पसीना आ जाता है लेकिन इसे यूज़ करने से चेहरे पर पसीना नहीं आता और जैसे कि मैंने बात किया कि ऑयल कंट्रोल के बारे में बताया आपको तो ऑयल कंट्रोल के लिए बहुत अच्छा है ये और बेसिकली बहुत ही अच्छा है लोटस में ये इसकी इस फेस वॉश की रेंज बहुत ही अच्छी है तो आप इसको जरूर यूज़ कर सकते हैं कैरी भी करके ले जा सकते हैं इतना मतलब इतना बड़ा भी नहीं है ये पैक तो इसको कैरी भी करके ले जा सकते हैं और अब हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसकी कंपोजिशन है रुपीज़ टू पॉइंट सिक्सटी पर ग्राम और नेट क्वांटिटी की बात करें तो नेट क्वांटिटी है इसकी हंड्रेड ग्राम तो आप इसको जरूर ले सकते हैं अब हम बात करेंगे इसको यूज़ कैसे करना है तो चलिए अब इसको हम लगा के दिखाते हैं और अंदर से भी दिखाते हैं तो जी. जैसे कि वीडियो में है हमें इस तरह से ही लेना है देख सकते हैं कलर देख सकते हैं टेक्सचर देख सकते हैं जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आपको ये अप्लाई करना है हम इसको हाथ पर लगा के दिखा रहे हैं आप इसको इस तरह से अप्लाई कर लीजिए और फिर वाटर से वॉश कर लीजिए हैंड वॉश कर लिया है और आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है तो ये था इस वीडियो में थैंक यू फॉर वाचिंग टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर और इसके हम मॉइस्चराइजर की बात करें तो देख सकते हैं ये लोटस वाइट ग्लो स्किन वाइटनिंग एंड ब्राइटनिंग जेल क्रैम है अगर आपके इसको इसका रिव्यू भी चैनल पर दिया हुआ है आप देख सकते हैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो ये था इस वीडियो में प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज ऑफ अवर चैनल